विधायकों की अपात्रता मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दिए गए फैसले से शहर उबाटा शिवसेना में भी भारी रोष देखा जा रहा है। उबाटा युवा सेना की ओर से रानी दुर्गावती चौक पर विधानसभा अध्यक्ष व भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, साथ ही पुतला फूंक कर रोष जताया गया। इस दौरान शरद सरोते, मुल्ला सिंह, पंकज अहिराव, गुलशन सुखवानी, सोनू सिंह, विनोद कल्याणी, बाल्या मुरले, किरण कांबड़े, उमेश साहू, प्रवीण अहिराव, ऋषि तुली, राहुल मालिक, फरीदा दरबार सहित बड़ी संख्या में शिव सैनिक शामिल हुए। तो एक संवाददाता जो जिस सीट पे बैठा हुआ है वो तो पहली बात तो उसके लायक ही नहीं है। माननीय सम्मानीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमारे भारत में जो एक रचना की थी संविधान की, वो सब संविधानों को मोड़ते हुए, उनको कुचलते हुए इन्होंने खुद यह जताया कि आज एक भाजपा एक संविधान जो भारत की रक्षा करता था वो रक्षा न करते हुए ये लोग खुद भक्षक बन के बैठे हैं, जो संविधान हर समय संविधान को कुचलते हैं अपने पैरों तले। और जो माननीय डॉक्टर बाबा साहेब जी ने जो संविधान लिखा था ये उनका निषेध करते हैं, तो ऐसे लोगों को ना संवैधानिक संविधान के पद पे रहना चाहिए और ना कुछ फैसला देने के लिए, ये तो पहली बात तो ये लायक ही नहीं है। सारा हिंदुस्तान जानता है, पूरे जग में मालूम है कि शिवसेना किसकी है। माननीय सम्माननीय बाड़ा साहब जी ने जो शिवसेना स्थापना की थी, जगह जगह शाखाएं उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में, पूरे अपने देश में शाखाएं उनकी उत्पन्न की थी। और ये जो आज के आए हुए लोग हैं जो बंडखोर लोग, अगर ये बंडखोर लोगों के हाथ ये बिके हैं या बंडखोर लोग इनके हाथ में बिके, सोचने वाली बात तो ये बिके तो दोनों भी है, या भाजप बोलो या शिंदेगढ़ बोलो, बिका हुआ गढ़ है। तो आज जो ये आइए जनता के हित में ये फैसला नहीं आया है, जनता काफ़ी आक्रोश में है। और शिवसेना आज युवा सेना की ओर से ये जो नार्वेकर जी का पुतला जलाया गया, ये माचिस की लकड़ी थी, माचिस की डिब्बी हाथ में है, अगर इसी तरीके से इन्होंने फैसले लेना शुरू किए तो हर नागरिक के हाथ में ऐसे माचिस की लकड़ी रहेंगी। और ये जो संविधान पे बैठे हुए लोग हैं इनको खुर्ची सहित जलाने का काम ये भारत की जनता भी करेंगी। और सबसे पहले हम शिवसेना की ओर से, युवा सेना की ओर से कल के फैसले का निषेध करते हैं। और इस फैसले को बिका हुआ, जैसे ये पहले गुवाहाटी में भागे हुए थे पैसों के बल पे, वैसे ही ये फैसला भी गुवाहाटी में मत भगते हुए महाराष्ट्र में बैठकर शिंदे के पैसे के अनुसार भाजपा भी की हुई है, ये दिखाई देता है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।